चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वर्कशीट 6 करेंगे आज हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है हमने एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस टू एक्स जेड। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पहले तो हम ये समझेंगे कि फैक्टराइज होता क्या है। देखिए, मान लो 8 है, 8 को हमने फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आपने पहले सीख रखा है। तो 2 into 2 into 2, ठीक है। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। यानी कि फैक्टराइज का मतलब आप ये समझो कि किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, यही फैक्टराइज है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2x plus 10, 2x plus 10 इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो, 2 और 10 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ले लिया कॉमन। अब ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, 2 1 जा 2 यानी कि 1x रह गया यहाँ पे, और 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन था 2x plus 10, हमने इसको जब फैक्टराइज किया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, तो आ गया 2 into x plus 5। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, वही क्या होता है, फैक्टराइज होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन उसी को कहते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके, जो हमने आइडेंटिटीज़ कर रखी हैं। पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक आइडेंटिटी हमने और करी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इन तीनों आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम ये बनाएंगे और इसके इक्वल रख देंगे, फैक्टराइज हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। अब इसको देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम इन तीनों आइडेंटिटी में से देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो, ए स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स को, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2ab, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इसको बनाओ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ए स्क्वायर हो गए, और जेड हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है, एक्स है, बी क्या है, जेड है। देखो, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया, बस उस इसको क्या किया, हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, आइडेंटिटी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। एक्स को लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दिया, ये ए स्क्वायर हो गया, देखो ये ए स्क्वायर हो गया, और जेड क्या हो गया, बी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए इंटू बी। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, ये माइनस 2xz है, ये भी माइनस 2xz है। ध्यान से देखो, माइनस 2xz मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, ठीक है। तो दोबारा से देखो एक बार, हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, हमने आइडेंटिटी नंबर 2 लगा दी, इसको बना दिया ए स्क्वायर, इसको बना दिया बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। उल्टा कर दिया, पहले हम इसको ये लिखते थे, अब इस चीज़ को लिख देंगे, हम ये लिख देंगे, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ए माइनस बी का, और ए क्या है यहाँ पे एक्स है और बी क्या है यहाँ पे जेड है, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। इसको होल स्क्वेयर है, अब ये होल स्क्वेयर है, इसकी पावर टू है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, देखो ये चीज़ थी, इसको हमने अब किसकी फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। जब इसकी मल्टीप्लाई खुलेगी तो दोबारा से हमें यही मिल जाएगा, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये और ये सेम है, मगर ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया है, इसका मतलब यही चीज़ सेम है, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसकी पावर टू थी तो एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, जैसे टू रेस टू पावर अगर टू हो तो टू इंटू टू होता है, थ्री रेस टू पावर टू हो तो थ्री इंटू थ्री होता है, ऐसी एक्स माइनस जेड रेस टू पावर टू था तो दो बार लिख देंगे इसको भी, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है, यही फैक्टराइज का तरीका है करने का। चलो एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, इसका ये भी ऐसी है, देखो इसको ए स्क्वेयर बना लो, इसको बी स्क्वेयर बना लो, इसको माइनस टू ए बी। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे हम, ए स्क्वेयर, देखो आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो इसको ऐसा बना लेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो फोर किसका स्क्वेयर होता है, टू का होता है, तो टू लिख लिया और इसको एक्स लिख लिया और सारे का कर दिया स्क्वेयर, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये भी फोर एक्स स्क्वेयर है और ये भी फोर एक्स स्क्वेयर ही है। जब ये खुलेगी ब्रैकेट खुलेगी, टू रेस टू पावर टू होता है फोर, और एक्स रेस टू पावर होता है, एक्स रेस टू पावर टू होता है एक्स रेस टू पावर टू। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं किया, बस अलग ढंग से लिख दिया, ऐसे ही इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, नाइन वाई स्क्वेयर का नाइन वाई स्क्वेयर ही रहेगा, मगर इसको अलग तरीके से लिख देंगे, इसको लिख दिया हमने थ्री वाई का होल स्क्वेयर। अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू, ए क्या है टू एक्स और बी क्या है थ्री वाई। ठीक है, अब माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, इसको भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस अलग तरीके से लिख दिया। देखो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई ही है ये। ठीक है, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया, इसकी जगह ऐसे लिख दिया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों लिखा हमने, फॉर्मूला बनाने के लिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी किसका इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसकी पावर टू है तो इसको दो बार लिख देंगे, टू एक्स माइनस थ्री वाई इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई, ये क्या आ गया हमारा, फैक्टराइज आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी बना के उसके हमने इक्वल कर देना है जो जिसका वो फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो टू क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, 64 ए स्क्वेयर प्लस 49 बी स्क्वेयर प्लस 112 ए बी, तो किसका फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, इसका फार्मूला बनाएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर में 8 का स्क्वायर, और a a के स्क्वायर को a का स्क्वायर ही लिखेंगे, 8a का होल स्क्वायर प्लस 49 को कैसे लिखेंगे, 7b का होल स्क्वायर, और 2ab, 2a क्या है 8a और b क्या है 7b। देखो इसको खोलेंगे तो 64 ही आएगा, 64 ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 49b स्क्वायर आएगा, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, 28 जा 16, 16 7 जा 112 ए बी, तो कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, बस फार्मूला बना दिया, फार्मूले की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे ए क्या है 8a है और b क्या है 7b है, तो ए स्क्वेयर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ये, पावर टू है, तो दो बार लिख देंगे इसको, एट ए प्लस सेवन बी इंटू एट ए प्लस सेवन बी। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, बिल्कुल ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो 121 पी का स्क्वायर प्लस 16 क्यू स्क्वायर माइनस 88 पी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बनाएंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको पहले हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 पी का होल स्क्वायर, और 16 किसका होता है, 4 का होता है, 4 क्यू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 11p और बी क्या है 4q। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 88pq ही आएगा। तो हमने कुछ भी, हमने इसमें चेंज, इस एक्सप्रेशन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस इसको फॉर्मूले की फॉर्म में हमने लिख दिया है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 11p और बी क्या है यहाँ पर 4q। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 11p माइनस 4q का होल स्क्वायर, इसका पावर 2 है, तो इसको दो बार लिख देंगे हम, 11p माइनस 4q इंटू 11p माइनस 4q। ये हमारे क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन को समझो ध्यान से, तो आपको सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, 9x² y माइनस 24x y स्क्वायर प्लस 16y³। अब देखो इसमें स्क्वायर तो बन नहीं रहा क्योंकि ये y आ गया, y का स्क्वायर कैसे करेंगे, अकेला y आ गया, और इसमें अकेला x आ गया, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ठीक है। और ये y क्यूब आ गया, ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा, y क्यूब है ये। अब इसमें से कुछ हम ऐसा कॉमन ले लेंगे, देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में हो, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ थी 9x² y माइनस 24x² प्लस 16y³, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y को ले लो बाहर, कॉमन आ गया y, ठीक है। अब जो कॉमन हम लेते हैं, देखो y² और y³, इसमें से मैंने y क्यों कॉमन लिया, y² क्यों नहीं कॉमन लिया, y³ क्यों नहीं कॉमन लिया, जिसकी पावर, देखो आप ध्यान रखना, जिसकी पावर सबसे कम होती है वही कॉमन होता है। जैसे y² और y³, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इन तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सबसे कम पावर वाला। पावर का मतलब ये इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, सबसे कम जिसकी एक्सपोनेंट है वो ले लेंगे हम कॉमन। अब ये कॉमन इन तीनों को डिवाइड करेगा, पहले इसको डिवाइड करा तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्या रह गया 9x² रह गया। अब इसको डिवाइड करेगा, y² है नीचे, वाई है, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 24xy, ठीक है। अब ये क्या है 16y इंटू वाई इंटू वाई, तीन बार y की मल्टीप्लाई है, एक y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 16y² रह जाएगा, ठीक है। जो हम कॉमन लेते हैं वो कॉमन चीज़ सबको डिवाइड करती है, अंदर वाले को, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। जब 9x² y को y ने डिवाइड किया तो 9x² आ गया, जब 24xy² को y ने डिवाइड किया तो 24xy आ गया, जब 16y³ को y ने डिवाइड किया तो क्या आ गया 16y² आ गया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा भाई, देखो ये भी स्क्वायर बन सकता है और ये भी स्क्वायर बन सकता है। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, y कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 9x² माइनस 24xy प्लस 16y². अब 9x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16y² को कैसे लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 3x, b क्या है 4y, a है 3x और b क्या है 4y, तो बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर
इसका बन गया बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, नाइन एक्स स्क्वेयर ये है तो ये भी नाइन एक्स स्क्वेयर ही है, ये 16y² है तो ये भी 16y² ही है, और ये माइनस 24xy है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24yxy ही है ये। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 3x, बी क्या है माइनस का बी क्या है 4y, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तो ये पावर 2 है तो इसको दो बार लिख देंगे 3x माइनस 4y, और ये y जो कॉमन था ये साथ ही रहेगा, तो इसके फैक्टर क्या बने, y इंटू 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमारे पास है 2a³ प्लस 4a² b प्लस 2ab² ठीक है। अब देखो ये तो क्यूब आ गया, स्क्वेयर का फार्मूला चाहिए हमें तो इसमें, ठीक है तो इसमें फिर से कॉमन लेंगे, देखो a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो क्या कॉमन होगा, a क्यूब कॉमन होगा, a स्क्वेयर कॉमन होगा या a कॉमन होगा। मैंने आपको बताया था जिसकी पावर कम होती है वही कॉमन होता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, a कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या कॉमन है, 2 कॉमन 4 और 2, 2, 4 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को 4 को और 2 को डिवाइड कर दे, मतलब कि 2, 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 2, 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 इन तीनों को डिवाइड कर देगा तो 2 भी आ गया कॉमन, तो 2a आ गया कॉमन। ठीक है, 2a हमारा आ गया, इन तीनों में से कॉमन क्या आ गया, 2a। अब 2a क्यूब को जब 2a से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a क्यूब का क्या रह जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास रह गया a स्क्वायर। ठीक है, अब 4a² b को 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ गया, a स्क्वायर का क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर को जब a डिवाइड करेगा तो a रह जाएगा और b पे कोई असर नहीं पड़ा, b का b ही रह गया। ठीक है, अब 2ab² 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, जब इसको 2a से डिवाइड करेंगे तो देखो 2ab² को जब 2a से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या रह जाएगा, b² रह जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा रह गया a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो सीधा ही फार्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो हमारे पास ये 2a कॉमन आ गया, इसमें से 2a कॉमन आया तो अंदर आएगा a² प्लस 2ab प्लस b², और अंदर क्या बन गया, फार्मूला ही बन गया सीधा ही, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, पावर 2 है तो 2a इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इजी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। अब इसमें से कॉमन क्या लें कि ये भी स्क्वायर बन जाए, क्योंकि 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, और 140 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो किससे डिवाइड करें भाई, ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको इसको इसको, ये सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर देखो 2 से 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25a² आ गया। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 249b² आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 70ab, यानी कि 250 को भी डिवाइड करता है, 98 को भी डिवाइड करता है और 140 को भी डिवाइड करता है। जब 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये बच गया, और ये इसका अब क्या बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है। 25 किसका होता है, 5 का, और 49 किसका होता है, 7 का। बिल्कुल ईजी है, तो सबसे पहला स्टेप है 2 कॉमन ले लिया अंदर स्क्वायर बनाने के लिए, अंदर आ गया हमारे पास 25a² प्लस 49b² प्लस 70ab। अब 25a² को कैसे लिखेंगे, 5a का होल स्क्वायर, और 49b² को कैसे लिखेंगे, 7b का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस 2a क्या है, 5a और b क्या है, 7b, तो 70ab को हमने ऐसे लिख लिया। देखो 70 तो है, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70,
ठीक है, 70 ए बी है। अब क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, किसका फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 5a है और b क्या है यहाँ पे 7b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ये स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं हम, दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 5a प्लस 7b इंटू 5a प्लस 7b। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।